नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जंबू का भूत पार्ट टू। उधर सुनहरा बिच्छू अपने शिप बुलडॉग पर। सुनहरे बिच्छू ने कहा, डागा आज तुम्हें अपने इन तीन साथियों के साथ ऑपरेशन टारगेट की ओर रवाना होना है। डागा ने कहा, मैं जानता हूँ। सुनहरा बिच्छू बोला, तुम्हारा शिप बाहर तैयार खड़ा है। डागा ने कहा, ओके सुनहरे बिच्छू, मुझे इजाज़त दीजिए। डागा का शिप रवाना हुआ। सुनहरा बिच्छू बोला, रंधावा जंबू ही इस काम में बाधा बन सकता था, अब मुझे किसी का डर नहीं। ऑपरेशन टारगेट पूरा होते ही मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ठीक उसी पल रैपट सिंह ने कहा, सुनहरे बिच्छू गजब हो गया। सुनहरा बिच्छू बोला, रैपट सिंह तुम? रैपट सिंह बोला, भारतीय सीक्रेट सर्विस में मेरी पोल खुल चुकी है बॉस। और जंबू? सुनहरे बिच्छू ने कहा, जंबू? जंबू की क्या खबर है रैपट सिंह? रैपट सिंह बोला, जंबू मरकर भूत बन गया है। सुनहरे बिच्छू ने कहा, क्या बक रहे हो रैपट सिंह, जंबू भूत बन गया? रैपट सिंह बोला, यस सुनहरे बिच्छू, मैंने अपनी आंखों से जंबू का भूत देखा है। उसने मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं कार से कूदकर बच निकला। रैपट सिंह ने पूरी घटना कह सुनाई। सुनने के पश्चात रंधावा बोला, लेकिन बॉस यह कैसे हो सकता है, जंबू एक मशीन था, वह भूत कैसे बन सकता है? सुनहरे बिच्छू ने कहा, यही बात तो मेरे गले भी नहीं उतर रही। रैपट सिंह बोला, मुझे याद है सुनहरे बिच्छू, जंबू ने मरते वक्त बदले की बात की थी। रंधावा बोला, बॉस जंबू का जिस्म भले ही लोहे का हो, किंतु दिमाग तो उसमें डॉक्टर भावा का ही प्रत्यारोपित है, तब क्यों नहीं पैदा हो सकता जंबू का भूत? सुनहरा बिच्छू बोला, बकवास बंद करो रंधावा, फिलहाल जंबू के भूत से अधिक खतरा हमें रैपट सिंह से है, क्योंकि ये सब की निगाहों में आ चुका है। शहर भर की पुलिस कुत्तों की तरह इसे ढूंढती फिर रही होगी, और सुनहरा बिच्छू ऐसा कोई भी खतरा उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रंधावा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बॉस? रंधावा की गन गरज उठी और रैपट सिंह मारा गया। डागा अपने तीन साथियों सहित शिप पर। डागा ने कहा, हम आज शाम तक मजेंटा द्वीप पहुंच जाएंगे, जहां से ऑपरेशन टारगेट आरंभ होगा। एक साथी बोला, डागा यह ऑपरेशन टारगेट है क्या? डागा ने कहा, मजेंटा पहुंचने के बाद जान जाओगे। अचानक बोतल हवा में तैरने लगी। डागा ने कहा, अरे, दूसरे ही पल बोतल डागा के सिर से टकराई और डागा के साथियों के सर आपस में टकराने लगे। डागा गन झपट कर उठ खड़ा हुआ और बोला, सामने आओ, कौन है? जंबू ने कहा, तुम्हारा बाप जंबू। तीनों बोले, जंबू? जंबू ने कहा, जंबू का भूत कहो खटमलो, रैपट सिंह नाम के एक गीदड़ के कारण मेरी मौत हुई, और अब मैं तुम्हारे पूरे दल को भूत बनाकर भूत नगरी में ले जाऊंगा। डागा बोला, जंबू का भूत? तुम अपनी वैज्ञानिक शक्ति दिखाकर डागा को बेवकूफ नहीं बना सकते जंबू। जंबू ने कहा, तो फिर देख जंबू की शक्ति, जो केवल भूत योनि में पहुंचकर ही मुझे हासिल हुई है। डागा ने कहा, लीवर रुस्तम अब्दुल अटैक। गनों से गोली नुमा बम निकलकर जंबू की ओर लपके, पर जंबू पर उनका कोई असर नहीं हुआ। जंबू ने कहा, भूतों के पास जिस्म नहीं होता मूर्ख निंदो, फिर भला ये बम मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? लो देखो, अब मैं कैसे तुम सबकी चटनी बनाता हूँ। एकाएक जंबू की आंखों से चिंगारियों की एक पतली सी रेखा फूट पड़ी। आरी नुमा रेखा अब्दुल के सिर से टकराई। देखते ही देखते आरा मशीन की तरह किरण ऊपर से नीचे रेंगने लगी और फिर अब्दुल के शरीर के दो टुकड़े हो गए। जंबू ने कहा, डागा अब मैं तुझे डॉग बनाऊं तो कैसा रहे? अचानक डागा ने जंबू पर छलांग लगा दी, लेकिन जंबू के शरीर से आर पार होता हुआ वह जमीन पर आ गिरा। जंबू बोला, भूतों को कोई छू नहीं सकता सड़े पानी के बरसाती मेंढक। अचानक जंबू फिर गायब हो गया और एकाएक रुस्तम हवा में तैरने लगा। वह बोला, मुझे बचाओ डागा, मुझे बचाओ। जंबू बोला, क्यों रुस्तम, हवा में उड़ने का मज़ा आ रहा है या नहीं? लगता है तुम्हें उड़ने में मज़ा नहीं आ रहा। रुस्तम ने कहा, नहीं मुझे छोड़ दो। एक झटके के साथ रुस्तम पानी में गिर पड़ा। जंबू ने कहा, तो फिर जाओ पानी में तैरने का मजा लो, लेकिन हाँ, यह इलाका शार्क के लिए प्रसिद्ध है, उनसे कुश्ती मत लड़ बैठना। कुछ क्षणों तक दोनों पत्थर बने खड़े रहे, चौंके तब जब उन्होंने अब्दुल की लाश देखी। करीम ने कहा, डागा मजेंटा द्वीप आ रहा है। अरे अब्दुल की लाश! डागा सोचने लगा, जंबू का भूत गायब है। डागा बोला, करीम लाश को उठाकर समुद्र में फेंक दो। करीम ने सोचा, पता नहीं ये मरा कैसे होगा, और उसने लाश समुद्र में फेंक दी। वह बोला, डागा क्या ऐसे में मजेंटा द्वीप उतरना ठीक होगा?
डागा ने कहा, ऑपरेशन टारगेट पूरा किए बिना शिप पर लौटे तो सुनहरा बिच्छू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। समुद्र के दूसरी ओर कुछ लोग खड़े थे। वह बोले, डागा का शिप आ रहा है, नंबर एक अलर्ट रहो, नंबर दो माल लदाई की तैयारी करवाओ। नंबर तीन ने कहा, आओ डागा, रास्ता ठीक ठाक कट गया ना? डागा ने कहा, हाँ हाँ। नंबर तीन बोला, चलो तुम्हें ऑपरेशन टारगेट दिखा दूँ। डागा ने कहा, चलो। नंबर तीन ने कहा, यह रहा ऑपरेशन टारगेट, सोने की खान। ये सब मजदूर इसी द्वीप के वासी हैं जो हमारी भाषा तक नहीं समझते। हाँ, कोड़े इन्हें सब कुछ समझा देते हैं। डागा बोला, इतना सोना? नंबर तीन ने कहा, उधर सोना इन खानों से निकाला जा चुका है, वह सारा गोल्ड तुम्हें आज ही लेकर जाना है। उधर देखो, उस भट्टी पर सोने को पिघलाकर उसका शुद्ध रूप ईंटों के रूप में पेटियों में भर दिया जाता है। अब ये सारी पेटियां तुम्हारे जहाज में लाद दी जाएंगी। जब तक यह कार्य पूर्ण हो, आओ एक बोतल व कुछ नमकीन हो जाए। डागा ने कहा, क्यों नहीं नंबर तीन, चलो। इधर नंबर तीन डागा और लीवर को लेकर गुफा में घुसा। उधर बाहर हंगामा मच गया जम्बू को देखकर। जम्बू के सिर का ढक्कन हट गया। जम्बू ने कहा, मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मुझे समाप्त करने वाले दल के सभी शैतानों का सफाया न कर दूंगा। नरक लोक के द्वार तुम सब शैतानों के लिए खुल गए हैं। सनसनाती हुई चक्रियां हवा में लपकी और झनझनाती चक्रियों ने प्रलय मचा दी। फिर पलक झपकते ही लाशों के ढेर वहां लग गए। कुछ गने भी गरज उठी। प्रलय मचाने के बाद चक्रियां वापस जम्बू के सिर में समा गई। उधर गुफा में गोलियों की आवाज़ों ने हड़कंप मचा दिया। नंबर तीन बोला, गोलियों की आवाज़ें, कुछ गड़बड़ है, आओ मेरे साथ। उफ, यह सब किसने किया? डागा ने कहा, शायद जम्बू के भूत ने। नंबर तीन बोला, जम्बू का भूत? तो क्या, उफ नहीं। डागा ने कहा, नंबर तीन, जितना सोना शिप में लादा जा चुका है उसे लेकर हमें फौरन यह जगह छोड़ देनी चाहिए। नंबर तीन ने कहा, ऑपरेशन टारगेट अधूरा छोड़ने पर सुनहरा बिच्छू हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। डागा डागा बोला, अगर हम यहाँ रुकते तो जम्बू का भूत हमें अधिक भयानक मौत देता। अगली सुबह तक शिप बुलडॉग के निकट पहुँच चुका था। नंबर तीन ने कहा, डागा लीवर दिखाई नहीं पड़ रहा। डागा बोला, लीवर? ओह, कहाँ गया, रात तक तो अपने केबिन में था। नंबर दो ने कहा, मैं देखता हूँ। डागा बोला, लीवर पूरे जहाज पर कहीं नहीं है। नंबर तीन ने कहा, एक नई मुसीबत। डागा बोला, सुनहरे बिच्छू के शिप से संकेत मिल रहा है, बिच्छू हमें वहाँ बुला रहा है। नंबर तीन ने कहा, शायद मौत के डर से लीवर रास्ते में ही कहीं फरार हो गया है। फिर बुलडॉग पर सुनहरे बिच्छू ने कहा, नंबर तीन, तुम डागा के साथ क्यों चले आए वहाँ द्वीप पर? नंबर तीन ने कहा, बॉस सब गड़बड़ हो गया है। सुनहरा बिच्छू बोला, क्या बकते हो? नंबर तीन ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ बॉस। डागा बोला, सुनहरे बिच्छू, जम्बू के भूत ने वहाँ तबाही मचा दी थी। और सुनहरे बिच्छू ने कहा, जम्बू का भूत वहाँ कैसे पहुँच गया? तभी एक आवाज़ आई, जैसे अब यहाँ आ पहुँचा है। डागा ने लीवर को देखा और बोला, लीवर तुम? लीवर ने कहा, गलत, मेरा नाम जम्बू है बदबूदार अंडे, तेरे इस आदमी के जिस्म में मैंने अपना घर बना लिया है और अब तुझे भी कत्थक कराऊंगा। सुनहरे बिच्छू ने कहा, शूट हिम। लीवर बोला, नहीं, मैं जम्बू का। लीवर को गोलियों से भून दिया गया। जम्बू ने कहा, मैं एक आत्मा हूँ सड़े हुए केचुए, और मरता शरीर है, आत्मा नहीं। ठीक तभी एक जोरदार धमाका हुआ। डागा ने कहा, हमारा शिप। नंबर तीन बोला, उफ नहीं, उसमें सोने की कुछ पेटियाँ थी। जम्बू ने कहा, मैंने उसके तेल टैंकर तक तेल फैलाकर आग लगा दी थी, तुम सबका भी यही हाल होना है। सुनहरे बिच्छू बोला, फायर, भून डालो जम्बू के भूत को, रंधावा मेरे साथ आओ जल्दी। फिर इससे पूर्व की गने जम्बू पर गरज पड़ती, जम्बू का जिस्म गोल आंधी की तरह अपने स्थान पर घूमता हुआ डैक के फर्श पर समा गया। ठीक इसी पल सभी भाग खड़े हुए और बोले, भागो, जहाज की तली में छिद्र हो गया है। लेकिन जम्बू के सिर से निकली एक चमकीली किरण उन सबको बांधती चली गई। रंधावा ने कहा, बॉस जहाज डूब रहा है, जम्बू का भूत हमें छोड़ेगा नहीं। सुनहरे बिच्छू ने कहा, बेवकूफ, मुझे लगता है जम्बू मरा ही नहीं था, लीवर मरते वक्त शायद यही बात कहना चाहता था कि वह जम्बू का भूत नहीं है। तभी जम्बू वहां दाखिल हुआ और बोला, तुमने ठीक कहा प्यारे सड़े हुए केचुए, जम्बू जीवित है, यह देखो। जम्बू को देखते ही रंधावा ने गन का मुंह खोलना चाहा, किंतु जम्बू ने उसकी गर्दन काट दी और बोला,
सड़े हुए केचुए, मुझे सूचना मिली थी कि कोई दुश्मन का आदमी भारतीय सीक्रेट सर्विस में घुसपैठ किए है, विशेष रूप से मेरी खबरें पाने के लिए। चीफ को रहपट सिंह पर शक था, उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए चीफ के साथ मिलकर मैंने यह योजना बनाई थी। हमें मालूम था कि रहपट सिंह हमारी बातें सुन रहा है। उसे जाल में फंसाने के लिए मैंने चीफ से कहा कि पानी की एक बूंद से मैं मर सकता हूँ, जबकि यह सच नहीं था क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट वाटरप्रूफ है। मगर रहपट सिंह फंस गया और उसने मुझे पानी की बूंदों से मार डालने का षड्यंत्र रच डाला, जबकि मैं इसके जरिए सुनहरे बिच्छू के पूरे दल का सफाया करना चाहता था। साथ ही मैंने अपने सर्किट में कुछ नए प्रयोग किए थे जिनकी मदद से मैं अपने जिस्म को छोटा बड़ा करके उसे गायब भी कर सकता था और उसे पारदर्शी भी बना सकता था। प्रयोगों को आजमाने का यही समय मुझे उपयुक्त लगा। इस प्रकार मैं जम्बू से जम्बू का भूत बन गया ताकि तुम मेरे मरने की सूचना से मेरी तरफ से लापरवाह हो जाओ और अपने बिल से बाहर आ जाओ और तुम्हारे ऑपरेशन टारगेट तक मैं आसानी से पहुंच जाऊं। अब वह सारा सोना भारत सरकार के पास पहुंचेगा और तुम पहुंचोगे भारत की सबसे सुरक्षित जेल में। देखो नीचे, तुम्हारे स्वागत का पूरा इंतजाम है। सुनहरा बिच्छू भयानक ढंग से ठहाका मारकर कह उठा, जम्बू तुम इस हेलीकॉप्टर में आ तो गए हो लेकिन निकल नहीं पाओगे, मरोगे। पलक झपकने से पूर्व ही जम्बू वहां से गायब हो चुका था और इसी के साथ किंग के भी परखच्चे उड़ गए। उधर बंटी ने कहा, मम्मी क्या जम्बू अब कभी नहीं लौटेगा? सुषमा बोली, काश वह लौट सकता बेटे। तभी जम्बू वहां पहुंचा और बोला, बंटी। जम्बू को देखकर बंटी बहुत खुश हुआ और बोला, मैं जानता था कि तुम नहीं मर सकते, तुम लौटोगे। मम्मी देखो, जम्बू लौट आया। कमिश्नर ने कहा, सुपर कंप्यूटर का बाप इतनी आसान मौत कैसे मर सकता था बेटे? सुषमा बोली, आह तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। और जम्बू बंटी को बता रहा था कि जम्बू का भूत बनकर उसने क्या क्या हंगामा किया। तो यह थी जम्बू सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।